नमस्कार। कक्षा सप्तम में शाम एक किसान आठ पांच नंबर आठ ये चल रहा था। पाठ में विषय वस्तु संबंधित समस्त चीज आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, सरलीकरण, व्याख्या सब पूरा हो चुका है। अभी प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एवं भाषा अध्ययन, भाषा की बात ये करना है। अब कविता से मैं प्रश्न एक में ये कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि कविता में ये कहा गया है, प्रश्न है नंबर एक, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है, यह एक रूपक है, पूरी कविता रूपक है, कल मैंने बताया विधा पढ़ाते समय। इसे बनाने के लिए पांच एक रूपताओं की जोड़ी, पांच रूपक जोड़ी है, इसमें उपमा भी है रूपक भी है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए, आकाश का साफा, पहली एक रूपता है आकाश का साफा, और इसके बाद इसी तरह तीसरी एक रूपता है नदी चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी, दूसरी तीसरी मानो नदी चादर सी, चादर सी। इसके बाद कहते हैं अब आप दूसरी और चौथी एक रूपता, दूसरी चौथी और पांचवी एक रूपता छांट करके बताइए। तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अब इसमें देखिए आकाश का ताफा बांधकर सूरज की चिलम, दूसरी क्या होगा सूरज की चिलम होगा, ठीक है, तीसरी नदी चादर सी, तो दूसरी सूरज की चिलम, तीसरी हो गई नदी चादर सी, पांचवी प्लास के चौथी प्लास के जंगल की अंगीठी। प्लास है प्लास के जंगल की अंगीठी, प्लास के जंगल की अंगीठी, और पांचवी है अंधकार भेड़ों के गले सा, अंधकार कहता है भेड़ों के गले सा, ये पांचों एक रूपताएं हैं। इन्हें आप लिखोगे, जो प्रश्न है उसमें लिखोगे कविता से प्रश्न एक, प्रश्नोत्तर एक लिखोगे, तो प्रश्नोत्तर एक में इसमें लिखोगे दूसरी चौथी और पांचवी एक रूपताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहली और तीसरी को आप जो है ये अलग पेन से कर दीजिएगा नीली से, और दूसरी चौथी पांचवी को काली से कर दीजिएगा। शाम का दृश्य, प्रश्नोत्तर दो है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू होती है ये आपको देख के बताना है। जब शाम, शाम कब से शुरू होती है, जब सूरज डूबने लगता है, जब सूरज डूबने का समय कितना होता है ये समय भी आपको सब खिड़की पर या छत पर बैठ करके सारी चीजें नोट करनी है। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये खुद आपको लिखना है। मोर के बोलने पर कवि को लगा किसी ने कहा हो सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो दो शब्दों में बांधिए।
तो ये जैसे प्रश्नोत्तर तीन, अब इन्होंने लिखा है कि नीचे दिए गए पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनकी बोली को दो दो शब्दों में बांधिए। जैसे अब इन्होंने दिया है नंबर एक कबूतर, तो कबूतर क्या है, बुटरगू, बुटरगू। दूसरा है कौवा, तो कौवा क्या करता है, काव काव लिखना होगा आपको। तीसरा है मैना, टिट 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 टिट। चौथा है तोता, तो तोता क्या बोलता है, पट्टू। तो तोता बोलता है पट्टू, ट्विंग ट्विंग ट्विंग। ऐसे ही चील, ऐसे ही हंस, इनकी आवाजों को लिखना होगा आपको। तो प्रश्नोत्तर तीन में दो दो शब्दों में लिखना था इसको। अब कविता से आगे कविता से आगे इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो कविता को चित्रित करने के लिए जैसे आकाश का साफा, तो आकाश को किन रंग में, नीले रंग में, सूरज को, यहां पर ये दिया हुआ है, ये सारे चित्र इन्हीं रंगों को लिख देना आप। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। तो प्रश्नोत्तर दो, शाम के समय ये निम्नलिखित कार्य करते हैं, निम्नलिखित कार्य करते हैं। अब इसमें नंबर एक पक्षी, पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले की तरफ लौटकर आते हैं। नंबर दो खिलाड़ी, खिलाड़ी शाम के समय खेलने का अभ्यास करते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ क्या करती है, खाना पकाने की तैयारी करती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, शांत रहते हैं, थोड़ी हवा चलती रहती है, हिलते हैं। पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, किसान खेत से घर आता है, और बच्चे खेल करके घर आते हैं। हिंदी के तो इस तरह से लिखना आप, इसमें एक दो तीन ऐसा को करके लिखना होगा। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है, संध्या का झुटपुट, बासों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टीवीटी टीवीटी टूट टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि संध्या के समय में यहां किसान को
यहां पर प्रकृति को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। दोनों में अंतर देखिए, प्रश्नोत्तर तीन, तो पंत की कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता आप इसमें देखिए, पंत की कविता में शाम के समय बांसों की झुरमुट और चिड़िया की चहक दिखाई गई है। ठीक है, बांसों की झुरमुट दिखाई गई है, और इसमें किसान को प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अब इसमें देखिए, पक्षियों का नाम लिया गया है, इसमें मोर, मोर का नाम है, और इसमें क्या है, किसी पक्षी का नाम नहीं है, मोर का नाम है, इसमें सिर्फ पक्षी है। अनुमान और कल्पना, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। अभी देखिए, पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, नीचे जो दिया हुआ पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। अब कब बजने लगे, भोर होते ही, भोर हुई सूरज निकला और पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। अब यहां क्या आएगा, भोर हुई सूरज निकला और पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। इसके बाद देखिए, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद। अब इसमें आप पंक्तियों को बदल भी सकते हैं, सूरज लाल गेंद से, लाल गेंद सा लुढ़कता आ रहा, सूरज लाल गेंद सा लुढ़कता आ रहा, और या लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद शीतल मंद सुगंधित हवा चली। अब इसके बाद ये आ जाएगी इनकी पंक्ति, लुढ़कती आ रही आ जाएगी। फिर इसके बाद
उठ मेरे बेटे सुबह हो गई, उठ मेरे बेटे सुबह हो गई। इसी तरह से आपको अपने तरीके से कविता लिखनी है। ये मैंने एक तरीका लिख के बताया है, लेकिन ऐसे यो ना चलो, बदल के लिखना है। अब आपको देखते हैं कैसे लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।